तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला जारी, पहली पारी खत्म हुई, 241 रन का टारगेट यहां पर दिया है, 240 रन टीम इंडिया ने बनाया है, 241 रन का टारगेट यहां पर दिया है टीम इंडिया ने। विराट कोहली ने 54 रन बनाए और शानदार गेंदबाजी हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने की है, लेकिन अब पूरा दारोमदार भारतीय गेंदबाजों पर। केएल राहुल ने 66 रन की पारी खेली, विराट कोहली ने 54 रन बनाए हैं, रोहित शर्मा ने एक अच्छा स्टार्ट दिया था, 31 बॉलों में 47 रन बनाए थे। केएल राहुल भी संघर्ष करते हुए नजर आए, अच्छी पारी 66 रन की पारी उन्होंने खेली। सूर्यकुमार यादव ने 18 रन बनाए, मोहम्मद सिराज ने 9 रन बनाए हैं। तो देखिए अपूरी जिम्मेदारी है भारतीय गेंदबाजों पर, भारतीय गेंदबाज कैसा प्रदर्शन करते हैं अपनी गेंदबाजी में उस पर निर्भर करेगा कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीतेगी या नहीं, तीसरी बार खिताब अपने नाम करेगी या नहीं करेगी। अब गेंदबाजों पर ही निर्भर करता है सब कुछ, पूरी देश की निगाहें अब भारतीय गेंदबाजों पर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी, जो कि तुरुप के हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। तो वैभव हमारे सहयोगी इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, बल्लेबाजों ने जो कुछ किया वो ठीक है, चलिए ठीक है, 240 रन स्कोर है टीम इंडिया का, 241 रन का टारगेट है। अब इस गेंद पर, जो मेरे हाथों में गेंद है, इस गेंद पर सब कुछ निर्भर करेगा, इस गेंद को फेंकने वाले गेंदबाजों पर निर्भर करेगा कि टीम इंडिया यह वर्ल्ड कप जीत पाती है या नहीं। लेकिन पूरी उम्मीद है गेंदबाजों से, क्योंकि गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी की इस पूरे वर्ल्ड कप में। वैभव जी, देखिए बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि अभी भी निराशा नहीं आनी चाहिए और भारतीय फैंस को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने की है, चाहे पैट कमिंस की बात करें, श्रेयस अय्यर को आउट किया, विराट कोहली को आउट किया, या फिर मिचेल स्टार्क की बात करें, शुभमन गिल को आउट किया, एडम जेम्पा की बात करें, बुमराह को आउट कर दिया, आप देखें कि सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। और ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इसकी जो एवरेज स्कोर है पहली बैटिंग करती हुई पहली टीम की, वो 237 है, और उस हिसाब से अगर देखें तो 241 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम ने रखा है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि पार स्कोर से तो पार चली गई है भारतीय टीम। अब अगर ये गेंदबाज, हमारे जो गेंदबाज हैं, जो कि इस वक्त दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं, चाहे मोहम्मद शमी हो, जसप्रीत बुमराह हो, रविंद्र जडेजा हो, या कोई भी गेंदबाज हो, इस वक्त बेहतरीन गेंदबाजी सभी गेंदबाज कर रहे हैं, और अगर शुरुआती झटके, शुरुआत में 5 ओवर के अंदर या 3 ओवर के अंदर कहीं ना कहीं अगर 2 या 3 विकेटें जल्दी निकलती हैं डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, या फिर हम बात करें मानस लबुशेन, अगर ये विकेट जल्दी गिरती हैं इन बल्लेबाजों की, तो हम भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर दबाव नहीं होगा, 1,32,000 फैंस इस वक्त नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद हैं, और देखिए कि वो दबाव इतना ज़्यादा होगा कि जब ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्लेबाजी करने के लिए आएगी तो हर बॉल पर वो शोर देखने के लिए मिलेगा कहीं ना कहीं। और अगर एकाधा विकेट जल्दी गिरा, 2 विकेटें जल्दी गिरी, तो हम भी चांस ले सकते हैं। और फिर शमी तो आपको पता है कि अगर चल गए तो 7 विकेटें अकेले ले गए थे, और फिर रविंद्र जडेजा हर बार हर दफा ग्लेन मैक्सवेल को, डेविड वार्नर को आउट किया है, और स्टीव स्मिथ के खिलाफ हमेशा रविंद्र जडेजा का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, चाहे हम IPL में देखें, टेस्ट मैचेस में देखें, वनडे में देखें, तो जडेजा भी है, कुलदीप भी, हमने देखा स्पिनर्स को मदद मिली थी, पिच हल्का सा धीमा खेला है, ये बात ध्यान में रखनी होगी कहीं ना कहीं। और अगर चले, हमारे गेंदबाज भी चले और धार है हमारी गेंदबाजी में, तो विश्वास कहीं ना कहीं अभी भी रखना होगा। और 241 अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग फील्डिंग, सो आई एम जस्ट होपिंग आवर बॉलर्स रियली मेक इट फॉर अस टुडे एंड वी फील जस्ट एज वेल। नहीं देखिए, रोहित शर्मा ने बैटिंग की शुरुआत बहुत शानदार तरीके से करी, बहुत फास्ट उस पे रन रेट पे जा रहा था, अचानक से वो विकेट गिरे हैं, कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर का तुरंत आउट हो जाना, उससे टीम के बाकी लोगों के ऊपर प्रेशर आया, विराट कोहली से जो उम्मीदें थी कहीं ना कहीं थोड़ी सी टूटी हैं। और ऐसा नहीं है प्लेयर्स खुद में निराश नहीं होंगे, कहीं ना कहीं पिच में ऐसी चीज है जो मतलब कहीं ना कहीं बैट्समैन को बैटिंग के लिए टफ पड़ रहा था, और वो चीज ऑस्ट्रेलिया को भी फेस करनी पड़ेगी। तो हमें लगता है भले ये लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा ऐसा विश्वास है, और शुरुआती 10 ओवर बहुत हद तक हमारी चीजों को बदलने में
जो जीत की उम्मीद, जिस उम्मीद से आज यहाँ पे 7 बजे से हम लोग सवेरे से लगे हुए हैं, कल से पूरी तैयारियां हो रही है। और यहाँ की बात छोड़ दीजिए, पूरा देश 140 करोड़ देशवासी जो प्रार्थना पूजा अर्चना पाठ जिस तरह की चीजें सबने करी है, ठीक है। भोपाल भोपाल के रुख कर लेते हैं, वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, पूरी उम्मीद अब गेंदबाजों पर, पूरी जिम्मेदारी अब गेंदबाजों पर है कि गेंदबाजी कैसी चलती है भारत की। और जैसा कि हम सब जानते हैं, शानदार गेंदबाजी वर्ल्ड कप में की है और एक रिकॉर्ड भी बनाया है गेंदबाजों ने, 96 विकेट लिए इस पूरे वर्ल्ड कप में, 100 विकेट लेने के करीब है। पूरी उम्मीद है कि गेंदबाज शानदार प्रदर्शन करेंगे, ये वर्ल्ड कप हमारा होगा। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए उम्मीद भारत कभी नहीं खोता और बुरी सी बुरी परिस्थिति में भारतीय टीम को जीतना आता है और हम लोग फाइट बैक करेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके की वहां की कंडीशंस है, पिच काफी स्लो खेला है और यही वजह कि एक हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो पाया है, हाई स्कोर भारत बनाने में कामयाब नहीं हुआ। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, क्रिकेट के फैंस मौजूद हैं, उनसे पूरा समीकरण और ये पूरा गणित समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय टीम 400 रन कर रही थी वो आज 240 रन ही क्यों कर पाई और अब ऑस्ट्रेलिया को हम कितनी बड़ी चुनौती दे सकते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अरुण वर्मा हमारे साथ हैं, सतीश कुमार जी हमारे साथ हैं, भोपाल के जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, शिवम मिश्रा हैं, ये नेशनल यूथ अवार्डी हैं और तमाम क्रिकेट के फैंस से खिलाड़ी, उनसे बात करेंगे। अरुण जी, 240 रन कैसे देखते हैं, सर डिफेंडेबल है या नहीं? बिल्कुल डिफेंडेबल है और जिस तरीके से शुरू में रोहित शर्मा खेल रहे थे तो बहुत ही अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन उसके बाद पिच की जो कंडीशन है वो पिच धीमा हो गया था, उसके बाद रन बनाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली और राहुल केएल राहुल ने पार्टनरशिप करी वहां पर और दोनों ने अर्धशतक लगाए तो एक नींव रखी और यहां तक स्कोर पहुंचा है। और जो मध्यक्रम में फिर हमारे जो बैट्समैन आए जिन्होंने सिंगल सिंगल खेला उससे बहुत फायदा मिला है और ये बिल्कुल सेफ है और हमारे बॉलर इसको बिल्कुल डिफेंड करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी सतीश जी बिल्कुल उसको कमतर नहीं आका जा सकता, डेविड वार्नर, टिम हेड जैसे तमाम नाम लंबी फेरिस्ट, इन्हें रोक पाना कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? देखिए ये जो सिनेरियो बना है मुझे नहीं लगता ये सिर्फ ओवर एक्सपेक्टेशन का सिनेरियो है। विकेट दोनों के लिए सेम है, हर गेम में 350 नहीं बन सकते, इस विकेट पे तो 350 बनना मुश्किल ही था, नामुमकिन था। इनफैक्ट ये एक अच्छी क्रिकेट होगी और अभी भी अगर आप रेशो देखेंगे तो 60% इंडिया जीत रही है, 40% ऑस्ट्रेलिया के पास है, क्योंकि उनके पास एक